हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आप जो देख पा रहे हो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स का है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो जनरल कंपटीशन में बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे वो बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, जो वाट एवर, किसी भी तरह का गवर्नमेंट सेक्टर का जो एग्जाम होता है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा कि मैं इसमें क्या करने वाला हूं, कैसे इसका सॉल्यूशन करने वाला हूं। क्योंकि सबसे पहले आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब फिर इसका सॉल्यूशन बनाना बहुत मुश्किल है। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। A wall 15 meter long, 30 centimeter wide and 4 meter high is made of bricks. Each measuring 22 centimeter into 12.5 centimeter into 7.5 centimeter. If 1 by 12 of the total volume of the wall consists of a mortar, how many bricks are there in the wall? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक वॉल है और मैं आपको बता दूं वॉल जो देख पाते हो वो दरअसल क्यूबॉइडल शेप होता है, क्यूबॉइड का शेप होता है। अब कहोगे सर कैसे, आप हम तो जानते हैं सर वाकई में कि क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है, वॉल में कैसे होता है, जरा ये समझा दो। तो मैं आपको पते की बात बता दूं, आप जिस रूम में रहते हो उस रूम को जरा गौर फरमाना। लेंथ तो समझ में आ रहा होगा, ब्रेथ भी आपको समझ में आ रहा होगा और हाइट की मैं अगर बात करूं तो कॉर्नर जो पार्ट देखते हो, कॉर्नर वाला पार्ट, वो एक तरह से हाइट का काम करेगा। नई बात समझ में, फिर से बोल रहा हूं सुन लो, रूम का जो लेंथ तो समझ में आ गया, ब्रेथ भी समझ में आ गया, लेकिन हाइट की मैं बात करूं तो हाइट जो होता है लेंथ और ब्रेथ के बीच जो कॉर्नर वाला जो होता है लेंथ, वो दरअसल हाइट का काम करता है, एक तरह से हाइट होता है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वॉल का लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रहा है। फिर उसी में एक क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि उस वो जो है दरअसल ईंट से बना है, ब्रिक से बना है और एक ब्रिक का डायमेंशन जो दे रहा है 22, 12.5, 7.5। साथ ही उसमें क्या कह रहा है कि पूरे वॉल के वॉल्यूम का 1/12 पार्ट ऑफ क्या है, मोर्टर है। मोर्टर कहने का मतलब होता है सीमेंट, एक तरह समझिए। क्या बोला मैंने, सीमेंट। ये सीमेंट मतलब क्या होता है कि ब्रिक्स, ब्रिक्स जो एक पर एक जो स्टैकिंग किया जाता है, किस पर, कि मसाला लगाया जाता है। मसाला मतलब सीमेंट और बालू वगैरह का जो मिक्सचर हो गया, डेट इज मोर्टर। समझ बताई। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कि हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल, तो वॉल में कितना ब्रिक्स है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये जो हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो दे रहा है दरअसल ये किसका है, वॉल का। तो लिखते हैं लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ ऑफ वॉल कितना दे रहा है 15 मीटर। इसको आप सेंटीमीटर बदल दो क्योंकि आप मैक्सिमम टर्म को देख रहे हो ये सेंटीमीटर में है, तो आपका होगा ये 15 × 100 यानी 1500 सेंटीमीटर। क्लियर है। ब्रेथ ऑफ ऑफ वॉल की अगर मैं बात करूं कितना है 30 सेंटीमीटर। हाइट की अगर मैं बात करूं, हाइट ऑफ वॉल कितना दे रहा है 4 मीटर, तो 4 मीटर का मतलब हो गया 4 × 100 यानी 400 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल फाइंड कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉल बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वॉल क्यूबॉइडल शेप है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ कितना है 1500 इंटू ब्रेथ कितना है 30, हाइट कितना है 400। मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा यहां पे 15 × 60 = 180, 180 पे 2 × 3 = 0 हो जाएगा। इतना CMQ क्या हुआ हमारा, वॉल का वॉल्यूम हुआ। अब उस वॉल में क्या क्या है, ईट भी है, मोर्टर भी है, राइट। अब आगे पढ़ते हैं क्या कर रहा है। 1/12 पार्ट ऑफ द टोटल वॉल्यूम द कंसिस्ट मोर्टर, तो आइए मोर्टर का भी हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मोर्टर हमारा यहां पे हो जाएगा क्या है, 1/12 पार्ट, तो 1/12 इंटू वॉल्यूम ऑफ वो,
मतलब कह रहा है कि उसमें जो वाटर है ना उस पूरे वॉल के वॉल्यूम का 1/12 टाइम्स है। तो इसको आप जब डिवाइड करोगे 12 से तो 15 × 180 होता है, यानी 15,000 आ जाएगा। क्लियर बात है? 15 × 12 = 12, 6 × 12 = 60 और 3, यानी 15,000 CMQ जो हमारा यहाँ पे हो गया, ये क्या हुआ? सीमेंट हुआ। सीमेंट में क्या बालू भी आ जाए, सैंड भी आ जाएगा। क्लियर बात है? चलिए आगे पढ़ते हैं। और एक ब्रिक का डायमेंशन दे रहा है 22, ये क्लियर है? चलिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे एक ब्रिक दे रहा है, और जा सोचिए कि मोर्टर हमारा 15,000 है और टोटल वॉल्यूम हमारा वॉल का क्या है, इतना है। तो कहने का मतलब हमारा क्या हुआ कि उसमें अगर इसमें से हम इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मेरे को क्या आएगा, टोटल ईट ही तो आएगा, क्योंकि वॉल में क्या होता है, ब्रिक्स भी होता है और सीमेंट वगैरह बालू भी होता है। तो सीमेंट बालू का वॉल्यूम इतना है, पूरे वॉल का वॉल्यूम इतना है। तो पूरे वॉल में से अगर हम मोर्टर का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को क्या मिलेगा, सोचिए, हमें तो ब्रिक्स ही मिलेगा ना। तो यहां पर लिखते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ, नीचे दिख रहा है देखिएगा जरा, चलिए यहां ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स की मैं बात करूं तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा इसमें से 1,80,000 में से माइनस करना होगा 15,000, इतना CMQ घटाओगे इसमें से तो क्या आएगा, 3 0 तो आराम से लिखा जाएगा, 1 2 3, और उसके बाद 10 में से 5 गया 5, 17 में से गया 16, यानी इतना CMQ हो जाएगा, 165 CMQ। क्लियर है? ये क्या आया, ब्रिक्स का वॉल्यूम। और एक ब्रिक का डायमेंशन जो दे रहा है 22, इतना इतना, तो इसका वॉल्यूम फाइंड कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक क्या होगा, L × B × H। तो लेंथ हमारा यहां पे क्या है, 22, ब्रेथ क्या है 12.5, हाइट क्या है 7.5, इतना CMQ। इसको क्या करेंगे, रहने तो कोई दिक्कत है, मल्टीप्लाई करना चाहोगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं करो कोई दिक्कत है, इतना CMQ तो होगा। हमें क्या पूछ रहा है, इसमें ब्रिक्स जो है कितना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हाउ मेनी की बात हो तो वहां पे हम डिवाइड करते हैं। तो मेरे को टोटल ब्रिक्स हमारा इतना है और एक ब्रिक का वॉल्यूम हमारा इतना है। तो बोला जा रहा है कि ऐसा एक ब्रिक का डायमेंशन हो इतना, तो ऐसा ब्रिक कितना होगा, कितना वॉल में लगेगा। तो यहां लिख देंगे क्या, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे, 165,000 बाय 22 × 12.5 × 7.5। क्लियर है? एक डेसिमल हटेगा ऊपर एक जीरो चलाएगा, फिर यहां से एक डेसिमल हटेगा ऊपर जीरो चलाएगा। उम्मीद है बातें समझ में आई। अब इसको कट्टम कुट्टम करना है, कैसे होगा देख सकते हैं, 25 × 75 और 25 से सब इसको काटोगे तो क्या आएगा, 25 × 150, 25 × 7 कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा क्या, 165, 150 ज्यादा हो जाएगा, 25 × 150, अरे भाई 150 होगा ना, या ऐसे कर दे क्या, 25 × 25 = 150, 25 × 7 = 175, 25 × 150 यानी 15, फिर 25 × 150 हो जाएगा, क्योंकि 25 × 150 15 और 0 25 × 150। क्लियर है? 25 × 150 25 × 150 यानी 3 0 और आ जाएगा इस पर। फिर से मैं देख लेता हूँ गौरफ माना, 25 × 75 25 × 150 बच गया कितना, 15 तो 150, तब 25 × 150 और ये कितना जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक और जीरो आ जाएगा। क्लियर है? फिर 22 से इसको कैंसिल करोगे कितना मरता है, 22 × 66, 3 पे क्या जरा जीरो होगा, 2 4। क्लियर है? उसके बाद हम यहां पे जो सॉल्व करेंगे, तो यहां पे हो गया ठीक है। अब उसके बाद फिर आप जो गॉड मार सकते हो, 3 से इसको कैंसिल करोगे, 3 1 3, 1 पे 4 0। क्लियर बात है? अब फिर इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो 25 × 25 = 125, 25 × 100 यानी 2 0, 5 8 = 80 आ जाएगा। यानी कि हमें यहां पर जो आ रहा है, यहां पे एक टर्म, तो आपने यहां पर देखा, यहां पे मेरे को क्या आ रहा था,
80 आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ पे है, आप जो गोल्फ में आइएगा, 15 चौगा 60 3 180, 180 पे 2 3 5 0 होगा, 180 पे मैंने 3 0 लिखा था, तो यहाँ पे 2 0 और बढ़ा देता हूँ, 3 2 5 0, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 2 0 और आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ भी 2 0 आ जाएगा, फिर यहाँ भी आपका 2 0 और आ जाएगा, है ना। तो फाइनली जो आंसर होगा आपका 8000 हो जाएगा, कितना ब्रिक्स। उम्मीद है बातें समझ में आई। यहाँ पे आपको मैंने 2 0 और बढ़ाया ना, तो यहाँ भी 2 0 बढ़ा दो, तो यहाँ भी 2 0 हो जाएगा, यहाँ भी 2 0 हो जाएगा, यहाँ भी 2 0 होगा। इस तरीके से हमें जो आंसर आया टोटल ब्रिक्स जो आया 8000, देख सकते हो यहाँ पे 15 चौका 60 3 180 और 180 पे 2 3 2 5 0 होना चाहिए, तो 180 पे मैंने 3 0 लिखा था। उम्मीद है बातें समझ में आई। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।